हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर नोकिया 105 चार्जिंग नहीं कर रहा तो उसका क्या सलूशन है। ये फ़ोन मेरे पास आया है, तो ये पहले भी कारीगरों की तरफ से रिपेयर किया गया है, लेकिन चार्जिंग जो है वो नहीं कर रहा था। तो इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि जो इसकी प्लस वाली पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये जो प्लस वाली पॉइंट है, इसको आपने इस पे जम्पर करना है इस कॉइल के साथ। ये इसका फ्यूज़ है, मैंने फ्यूज़ भी चेक किया, ये फ्यूज़ बिल्कुल ओके है। तो इसको प्लस वाले पॉइंट को, जो चार्जिंग का प्लस वाला पॉइंट है, इसको इस कॉइल के साथ जम्पर करना है, और इस कॉइल से एक जम्पर उठा के आपको इसके ऊपर करना है। ये इसका चार्जिंग आईसी है, ये इसका ट्रांजिस्टर है चार्जिंग का, तो मैंने सिंपली इसको इसके साथ जम्पर कर दिया है, इस ट्रांजिस्टर के प्लस वाले पॉइंट के साथ। ट्रांजिस्टर के प्लस वाले पॉइंट के साथ इसको मैंने जम्पर कर दिया है। इस पॉइंट के साथ आपको जम्पर करना है। ये इसका चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी को मैंने चेक किया है यहाँ से, इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है। तो इसमें मसला ये था कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो बोर्ड के अंदर जो प्रिंटिंग होती है, जो प्रिंट होते हैं इसके, लाइन जिसको बोलते हैं, वो लाइन डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये चार्जिंग नहीं कर रहा था। तो उस लाइन को रिपेयर करने के लिए इसकी कॉइल के साथ जम्पर करके इस ट्रांजिस्टर के प्लस वाले पॉइंट के साथ मिला दिए, तो सर्किट इसका मुकम्मल हो गया है। अभी ये फ़ोन बिल्कुल ओके है, चार्जिंग कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्जिंग चेक करा देता हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये चार्जिंग कर रहा है, और इसमें फेक चार्जिंग का इशू भी नहीं आएगा अगर आप डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर पर जम्पर करेंगे। ये जो इसका ट्रांजिस्टर है, ये डायरेक्ट चार्जिंग आईसी से कनेक्ट है, तो इसका एक ही सलूशन है। आपने सिंपली, जैसे मैंने तरीकाकार आपको बताया, आपने इसके ऊपर जम्पर कर देना है।